फाइनली आज हम लीव कर रहे हैं अमृतसर को। इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि अभी काफ़ी जगह थी एक्सप्लोर करने वाली, बट जो मेन चीज़ थी जो मैं एक्सप्लोर करने आया था, हरी के बर्ड सेंचुरी। एंड उसका मैंने रात को गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे देखा कि सैटरडे को वो क्लोज्ड रहता है, उसमें दिखाया हुआ था। आज है फ्राइडे तो फ्राइडे को 9 बजे ओपन होता है, तो मैंने सोचा अगर आज यहाँ रुका तो कल का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बर्ड सेंचुरी यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है, और उसी रास्ते पे जिस रास्ते से मैं गंगानगर जाऊँगा तो दोबारा वहाँ जाके आज वापस यहाँ आना कोई समझदारी वाली बात मेरे को लगी नहीं, क्योंकि इतना कुछ यहाँ पे बचा नहीं एक्सप्लोर करने को। गाइस, जो फाइनल आउटकम था हमारी जर्नी का वो आ चुका है। वैसे आपको आवाज़ से अंदाज़ा तो लग ही गया होगा, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है हरिके बर्ड सेंचुरी का एरिया, तो एंड दूर दूर तक वेटलैंड्स ही वेटलैंड्स दिखेंगे आपको अगर देखेंगे तो। और आपको बता दूँ, मैं इससे पहले 2 बार वहाँ पे बिल्कुल मेन गेट पे जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ जाके आ चुका हूँ। पता है किस लिए? क्योंकि इनका जो हेड ऑफिस है वो पीछे एक गांव आता है 1 से 2 किलोमीटर पहले, वहाँ पे है, बट बर्ड सेंचुरी 1-1.5 किलोमीटर उससे दूर है। तो मैं डायरेक्टली सेंचुरी चला गया, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं नॉर्मल तो देख सकते हैं, बट अपना जो बाइक है वो आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने कहा यार फिर फ़ायदा ही क्या पैदल घूमने का, एंड बैग वगैरह भी बाइक के ऊपर माउंट है, इसलिए फिर मैं दोबारा वहाँ से आया। तीसरी बार वहाँ से आके इधर गाँव में आया, यहाँ से अपना आईडी कार्ड इनको दिया, तो आधार कार्ड से इन्होंने मेरे को इशू कर दिया यहाँ पे। इसे देखने के लिए जो परमिशन चाहिए वो परमिशन इन्होंने मुझे जारी कर दी, एंड एरिया बहुत ज़बरदस्त है। एंटर कर लिया हमने बर्ड सेंचुरी में, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज बाइक लेके आए हैं, परमिशन लेके आए। यहाँ पे जो इंचार्ज थे वो पहले परमिशन से पहले बोल रहे थे कि बाइक लेके क्या करोगे जाके, नॉर्मल पैदल चले जाओ, बट पैदल में गाइस मानिए ये वाली फीलिंग मैं मिस करता कहीं ना कहीं। बाइक को एक बार यहीं छोड़ देते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्या है, कुछ बर्ड्स की फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, ये देखिए। इतनी पीस और शांति है यहाँ आके कि मैं खुद बोल रहा हूँ तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि इतनी तेज़ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई भी शहरी आवाज़ नहीं है, सिर्फ बर्ड्स की साउंड सुन सकते हैं आप थोड़ा बहुत। रियल यार जो नेचर का टच होता है ना वो ये वाला होता है। पानी पी के फिर और आगे चलते हैं, आगे चल के और देखते हैं आगे और क्या कुछ है देखने को। थोड़ा आगे बढ़े और कुछ तेंदुए नज़र आ रहे हैं हमें, एक शायद इनमें से टाइगर है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा कुत्ते घूम रहे हैं,
जस्ट ए पार्ट ऑफ जोक। एंड अभी यहाँ पे नॉर्मल बर्ड्स हैं लाइक पैरट्स वगैरह इसी तरह के अभी देख पाया हूँ। आगे जाके देखते हैं और कौन कौन से बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस बीच में अभी एक स्पॉट आया जहाँ पे बिल्कुल ओपन है, पहले दिखाई नहीं दे रहा था उधर वाटरलैंड, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो उधर चल के देखते हैं कि किस तरह से हमें दिखता है, क्या सीन है, क्योंकि पहले वहाँ पे पौधे वगैरह दिख रहे थे ज़्यादातर, तो वो सीन नहीं था। ये शायद पहले यहाँ पे एक वाटर बस चला करती थी पानी के अंदर, एंड उसी का ये जो रैंप बना हुआ है उसी का है। तो उसके बारे में डिटेल मैंने यूट्यूब पे देखी थी, वहाँ पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ से एक बस चला करती थी जो पानी के अंदर यहाँ पे लोगों को सैर करवाती थी, बट पता नहीं किन कारणों से उसे बंद कर दिया गया। अभी गाइज मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे ह्यूमन फुटप्रिंट बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन फुटप्रिंट्स यानी हमारे द्वारा फैलाया जाने वाला कचरा, वो पानी की बोतल्स, चिप्स के पैकेट वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, ये कुछ भी यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला अभी तक। तो सिवाय यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, जो बाइक्स आती हैं उनके टायर मार्क्स हैं, उनके अलावा यहाँ पे कोई भी ह्यूमन फुटप्रिंट नहीं है। एंड ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया है इसे छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है यहाँ पे जो मतलब ये चीज़ साबित करती है कि यहाँ पे ह्यूमन फुटप्रिंट्स हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, बट अगर इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये ब्यूटी रह पाएगी, बिकॉज़ ये इंडिया है और हम इंडियंस इस बात को नहीं समझते हैं कि प्रकृति से प्रेम करना अलग बात है लेकिन उसे संभाल के रखना एक दूसरी बात है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इन्हीं कारणों की वजह से मेरे को लग रहा है कि इसको टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया जा रहा है। काफ़ी कम लोगों को पता है यहाँ पे कोई नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे अलावा यहाँ कोई आया हुआ है अभी तक, तो मेरे को कोई दिखा नहीं, अकेला ही घूम रहा हूँ। कुत्ते भौंक रहे हैं, डर लग रहा है कहीं कोई पीछे ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ डंडा वंडा वगैरह कुछ है नहीं, तो इसलिए हेलमेट उतार के मैंने शीशे पे टंगा रखा है। मैंने सोचा कि कोई कुत्ता वगैरह अगर आ जाए तो उस कंडीशन में हेलमेट का यूज़ मैं कर पाऊँ। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या कुछ है। शायद काफ़ी टाइम पहले ये यहाँ पे ऑपरेट की जाती थी, उसका बना हुआ है। एंड ये प्लेटफॉर्म है, इस पे चढ़ने से ही डर लग रहा है, बिल्कुल पुराना हुआ पड़ा है। ये देखिए इस पे पैर रखते ही वहाँ से ऐसे उठ रहा है, इस पे तो मैं बिल्कुल नहीं चढ़ने वाला। यहाँ पे सेल्फी ज़रूर बनती है गाइज, अगर इस प्लेस में अगर कोई साथ में फ्रेंड होता तो फ़ोटोज़ क्लिक करने का तो पूछो ही मत, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ आती। और बोतल अभी मैंने यहाँ रखी थी तो अपने साथ लेके जाऊँगा, इसे यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह या इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। तो अब बढ़ रहे हैं ऊपर, इधर बैठते हैं थोड़ी देर। गर्मी काफ़ी है, धूप की वजह से बुरा हाल है। आगे और देख के आते हैं, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं आगे क्या कुछ है और क्या नहीं। तो बाइक पे चलते हैं, बाइक से चलेंगे क्योंकि यहाँ तो काफ़ी धूप है। तो आगे देखते हैं अगर कुछ देखने लायक हुआ तो। अभी तक कुछ ऐसा कोई यूनिक बर्ड तो मेरे को दिखा नहीं, क्योंकि अभी क्या है बर्ड्स का सीज़न भी नहीं है और मोबाइल कैमरा से इतनी दूर तक कैप्चर करना मुश्किल है। अगर DSLR हो हमारे पास तो भी पॉसिबल है कि कोई ना कोई बर्ड हम देख पाएँ। लो जी कर लो बात, इतना आगे आया और रास्ते के अंदर ये यहाँ पे रास्ता बंद है, पेड़ टूटा पड़ा है। तो गाइस पीछे जो वाटर बस वाला पॉइंट मैंने आपको दिखाया था उससे काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। यहाँ पे अक्सर कोई नहीं आता, आप रास्ते में देख सकते हैं कोई भी टायर मार्क्स यहाँ पे नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। अगर कोई आता भी है तो वॉक करके तो बिल्कुल नहीं आता यहाँ पे। एंड इसके आगे देखते हैं यहाँ से आगे कुछ है भी या नहीं। तो पैदल तो यहाँ से जा सकते हैं बट मुझे नहीं लगता पैदल जाने में कोई फ़ायदा है इतनी दूर। तो ये उसके दूसरी पार आ गए, उस तरफ हमारी बाइक खड़ी है एंड इस तरफ आ गए और आगे देखते हैं आगे। यार सीन तो काफ़ी अच्छा है, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह अगर क्लिक करनी हो तो। चलते हैं कुछ दूर बातें करते करते
और इस तरफ हमारे आप देख सकते हैं पेड़ों के बीच में से पानी नज़र आ रहा है, वाटरलैंड है। और इस तरफ भी यहाँ भी पीछे घना जंगल है पूरा। कुछ गिद्धड़ों का झुंड देखा था अभी, वो बाइक की आवाज़ सुन के भागे डर के। तो अगर आप यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं तो बिल्कुल आपको पैदल चलना पड़ेगा। और बातें वगैरह जैसे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अगर ऐसा काम करने अगर आप यहाँ आएंगे तो कोई भी बर्ड्स आपको दूर से ही देख के उड़ जाएगा दूर से ही, तो आप किसी भी बर्ड को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। अभी रास्ता तो काफ़ी दूर तक है, अब काफ़ी दूर आ गया मैं, वो उस पॉइंट के पीछे खड़ी है बाइक, तो दूर कितना जाऊँ चल के, रिस्की है काम। बाइक पे भी सामान पड़ा है, चाबी वगैरह सारा अंदर ही है। तो चलते हैं वापस घर की तरफ, चलेंगे उससे पहले यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेंगे, अच्छी अच्छी इंस्टा पे डालूँगा मैं, देख लीजिएगा आप। लिसन गाइस, अभी मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहा था तो थोड़ा सा साइलेंट हुआ, तो बर्ड्स की चिपिंग जो है यानी आवाज़ है वो बढ़ गई और कुछ और जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, तो आप सुनिए ध्यान से। बाइक आ गई अपनी, ये रही फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी ले ली, अब चलते हैं वापस, घुमाते हैं गाड़ी यहाँ से, क्योंकि आगे तो रास्ता था नहीं तो यहाँ रुक के मैंने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले ली, थोड़ा आगे भी गया, तो अब वापस घुमाते हैं, यू टर्न मारते हैं और चलते हैं वापस। इधर से आए थे हम और इधर वाली साइड में आपको वो दिखाया था मैंने, वाटर बस चलती थी यहाँ से। अब चलते हैं वापस घर की तरफ। और हाँ जी चल आया अपने फल मैं क्या इतना थोड़ी देर नहीं थल्ले फल लेने ही मैं थल्ले है ताजी की सेट नहीं दो पैर लगने चलो कोई बात नहीं ठीक धन्यवाद जी Thank you.